वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YJ ब्लॉग्स। आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, चारों तरफ कोरोना हो रखा है। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ यार कि जल्द से जल्द कोरोना काल चला जाए और जो हमारे पुराने प्यार भरे मस्ती भरे पल थे, जो हमारी प्यारी सी लाइफ थी, एक बार वो दोबारा से पटरी पे आ जाए। बहुत सारी डेस्टिनेशन थी जो कि हमारे प्लान थी कि हम यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे, लेकिन ये कोरोना की वजह से सारा चला गया ठंडे बस्ते में। तो आज का जो ये ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन लगा है और मैं डेली ब्लॉग करता हूँ नहीं। तो आज का जो ये ब्लॉग है, ये है अनबॉक्सिंग ब्लॉग। जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ के लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, बस वो आ चुकी थी। तो इस ब्लॉग में करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। फिलहाल मैं अपने चैनल में मसूरी वाली जो मेरी सीरीज है उसके 2-3 ब्लॉग बचे हुए हैं, उनको डाल रहा हूँ। तो उसी के बीच में अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग आ जाएगा, तो प्लीज़ प्यार बरसाते रहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ ब्लॉग्स। करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो ये रहा सामान जो कि मैंने मंगाया था अमेजोन से। तो सबसे पहले LED बल्ब्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, एक है 3 वाट का, एक 5 का और एक है 7 वाट का। ये इस टाइप के बल्ब हैं और इसमें पीछे ये लीड है जो कि आपके जो पावर बैंक है ये उसमें चले जाएगा। ये जो LED बल्ब है ये आपके पावर बैंक से जल जाएगा। ये जो LED बल्ब है ये है कैंपिंग बल्ब, कि मतलब अगर आप कहीं पर कैंप कर रहे हैं तो वहाँ पे तो लाइट हो नहीं सकती, तो वहाँ पावर बैंक आपके पास पक्का होता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने मंगाए हैं ये LED बल्ब। इसको लगाते हैं, ये चल गया। तो बस आपके पास होना चाहिए पावर बैंक और इस तरह से ये LED बल्ब जलेगा। बहुत अच्छी लाइट है इसकी, सही है यार। ये पड़ा है 250 रुपये समथिंग का, 250 रुपये में क्या लोगे, सही चीज़ है कैंपिंग के लिए। जो कैंपिंग लवर हैं उनके पास ये होना चाहिए, नहीं हो तब भी चलेगा। तो ये हैं LED बल्ब्स। जो दूसरी चीज़ है वो है ये कुकिंग सेट। ये वैसे मैं एक बार खोल चुका हूँ, ये है कैंपिंग का कुकिंग सेट जिसमें कि ये देखिए, एक बर्तन ये है, दो, तीन, चार, ये इस टाइप से खुलता है। फिर इसको आप जो कैंपिंग स्टोव होता है उसमें आराम से रख के आप मैगी कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही ये सबके संग है, ये खुलने का दिया है इसमें और ये बंद होने पे इतना सा रह जाता है बस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कैंपिंग करते हैं उनके लिए, तो ये हमने मंगा लिया है। कैंपिंग स्टोव मैं पहले ही मंगा चुका हूँ, उसका जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था वो मैंने पहले डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है ये, एनी गैस क्या है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ गैस आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, ये है कैंपिंग चेयर। बस इसको आप इस तरह से खोलिए और आराम से यहाँ पे आप कोई गिलास भी रख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमको 2,500 की पड़ी है। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके अगर आप लोगों को परचेज़ करना है तो आप वहाँ जाके चेक करके परचेज़ कर सकते हैं। और इसको फोल्ड भी बहुत आराम से किया जाता है, ये बस ऐसे, और जो इसका कवर है इसमें इस तरह से डाल के इसको आप जैसे कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कहीं थोड़ा सा मेन रोड से हटके जाना है तो आप इसको आराम से, ये दे रखा है कैरी करने का, इसको ऐसे करके कैरी करके भी ले आ सकते हैं और वहाँ पे खोल के आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये होगी तीसरी चीज़। मैं जिस चूल्हे की बात कर रहा था, वैसे इस पर तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, लेकिन एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है कैंपिंग स्टोव, ये तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा। ये इजी टू कैरी है ये, और इसमें ये जो ये दिया है ये लाइटर है, मतलब यहाँ से सीधे ऑन करिए
और माचिस की जरूरत नहीं है चूल्हे में। और जो इसकी गैस है वो है ये हैंस का है। ये 4 सिलेंडरों का एक पैक आता है, इसमें क्या है ये रेड वाला निकाल के यहाँ पे लगता है, बस ये यहाँ लग जाएगा, यहाँ से ऑन होगा और आप सीधे से खाना पका सकते हैं इसमें। और जो इसके बर्तन हैं वो भी आ चुके हैं। अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पानी नहीं है, तो ये है प्लास्टिक जार, ये 10 लीटर का है। अगर आप इसमें पानी फुल करेंगे तो 10 लीटर पानी आएगा, तो ये कैंपिंग में बहुत ज़रूरी होता है। और जब पानी ख़त्म हो जाए तो ये देखिए ये इतना पतला सा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये चाहें आप मंगा सकते हैं। और लास्ट में है टेंट, ये है ट्यूब ट्रैप कैंपिंग टेंट। तो ये टेंट की अनबॉक्सिंग हम करेंगे इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये टेंट कैसा है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। और वैसे भी यार यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको पूरा आपको खोल के दिखाऊं। आप लोगों के प्यार से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जस्ट ओनली 80 या 90 सब्सक्राइबर रह गए हैं 10,000 में। तो मैं सोच रहा हूँ ये कैंपिंग करूँ, और कैंपिंग बाहर तो कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है, वो कैंपिंग घर पे ही करेंगे छत पे, तो वहाँ पे इस टेंट को खोल के आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो इतना सारा चीज़ मैंने मंगाया था कैंपिंग के लिए, लेकिन कैंपिंग हमारी हो नहीं पाई क्योंकि ये कोरोना की वजह से। तो जब भी खुलेगा कैंपिंग करेंगे, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, इन सब चीज़ों का यूज़ आपको आने वाली वीडियो में दिखेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल YJ ब्लॉग्स। बाय।